एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ निदा और मैं आज आप सभी को बताने जा रही हूँ नॉर्मल पीरियड्स किसे कहते हैं, कितने दिन आना नॉर्मल पीरियड्स माना जाता है, कितनी ब्लीडिंग होना नॉर्मल होता है और क्या पीरियड्स में दर्द होना यानी कि पेन होना नॉर्मल है। तो मैं आज आपको, जैसे कि सभी को पता है कि पीरियड्स के बारे में हर किसी से हम बात नहीं कर सकते हैं, हर कोई शर्माता है, तो इसीलिए मैं आज आपको टोटल चीज़ें, सारी चीज़ें, पीरियड्स क्यों होते हैं, पीरियड्स में ब्लीडिंग कितनी होनी चाहिए और पीरियड्स कितने दिन बाद होने चाहिए, तो ये कितने दिन बाद नॉर्मल हैं और कितने दिन बाद एबनॉर्मल हैं, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपका होगा तो क्या होगा, पीरियड्स कितने दिन में आना चाहिए, कितने दिन में आपको पीरियड्स हो जाने चाहिए, कितना नॉर्मल है। तो नॉर्मल जो माना जाता है, वैसे तो 28 डेज में पीरियड्स आ जाने चाहिए, लेकिन अगर 28 डेज में आपको नहीं आते हैं तो 30 या 31 डेज में आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एबनॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल है। यानी कि 28 डेज, 30 डेज, 31, 32 डेज ये नॉर्मल माने जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको 28 डेज से पहले पीरियड्स आ रहे हैं तो कितने दिन पहले आप नॉर्मल मान सकते हैं, तो पीरियड 28 डेज का नॉर्मल है, लेकिन 28 डेज से पहले अगर आपको 22 डेज में, आपको 22 दिन में दोबारा पीरियड आ रहे हैं तो ये भी नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको 22 दिन से पहले दोबारा पीरियड्स आ रहे हैं तो ये गलत है, ये एबनॉर्मल है, इसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, कितने दिन में पीरियड्स का आना नॉर्मल है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, पीरियड कितने दिन होना चाहिए। तो देखिए, नॉर्मली जो माना गया है पीरियड्स कम से कम 2 दिन होने ज़रूरी हैं, 2 से 7 दिन का जो ड्यूरेशन है ये नॉर्मल पीरियड माना जाता है। आपको 7 दिन में पीरियड्स हो सकते हैं, आपको 2 दिन भी हो सकते हैं, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हर किसी का अलग अलग होता है, तो सबको अलग अलग होते हैं, लेकिन नॉर्मल जो है, अगर आपको 2 दिन से कम पीरियड्स आ रहे हैं यानी कि 1 दिन आपको पीरियड्स आ रहा है तो ये एबनॉर्मल है। 2 दिन तो कम से मिनिमम होता है और मैक्सिमम आपके 7 डेज होते हैं, 7 डेज तक आपको पीरियड्स रह सकते हैं। तो ये हो गया आपका, बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा कितने दिन पीरियड्स होना नॉर्मल है। अगर 2 दिन आ रहा है, हर बार आपको हमेशा 2 दिन ही आता है तो ये नॉर्मल है। अगर आपको अचानक से, मतलब आपको 5 दिन 6 दिन पीरियड्स होते हैं और अचानक से आपके 2 दिन पीरियड्स या 1 दिन पीरियड्स आना शुरू हो गया है तो इसका मतलब है आपके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो ये आपका हल हो गया है क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, कि नॉर्मल ब्लीडिंग होती कितनी है, कितना ब्लड आना नॉर्मल माना जाता है। तो देखिए, जो मिनिमम है 50-80 ml ब्लड आपके पीरियड्स में आता है, तो ml में तो आप नाप नहीं सकते हैं, तो आपको मैं बता देती हूँ नॉर्मल तरीका क्या है। कि देखिए, नॉर्मली जो फर्स्ट डे ब्लीडिंग, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, सेकंड डे उससे कम और थर्ड डे उससे कम, किसी को ऐसा होता है फर्स्ट डे बहुत कम होती है, सेकंड डे ज़्यादा होती है, फिर थर्ड डे ज़्यादा, फिर बाद में कम होती चली जाती है। तो क्या है, अगर आपको सबसे शुरुआती दिन में आपको ब्लड क्लोट्स आ रहे हैं, ब्लड क्लोट्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि मतलब नॉर्मली क्लोट्स, अगर छोटे छोटे क्लोट्स आ रहे हैं तो उसका वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको 1 इंच से ज़्यादा क्लोट्स आ रहे हैं साइज़ में तो ये एबनॉर्मल है, आपके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इसके अलावा जैसे कि आपको मतलब ब्लीडिंग की अगर बात करें तो ब्लीडिंग 50-80 ml होती है नॉर्मली पीरियड्स में, लेकिन जैसे मान लीजिए आपने 4 पैड एक दिन में चेंज कर लिया और रात को भी आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है उठ करके, तो ये बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है। तो इसका कारण कुछ भी हो सकता है, आपके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, तो फिर ये एबनॉर्मल है, तब आपको अपने सीधा डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो आपको समझ आ गया होगा कि कौन सी बात करते हैं पीरियड्स पेन की, पीरियड्स में दर्द होना नॉर्मल है क्या। तो जी हाँ, पीरियड्स में नॉर्मली दर्द होता ही है, ये नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा और हर बार इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि आपको पेन किलर की ज़रूरत पड़ रही है तो इसका मतलब है आपके जो यूट्रस है आपके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हुआ है, मतलब कोई भी आपके अंदर अंदरूनी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको एक्सेसिव इतना ज़्यादा पेन होता है, इतना बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो आपको देखना है कि दर्द, देखिए दर्द होना नॉर्मल है, लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द, जो असहनीय दर्द होता है वो
दर्द का होना किसी इन्फेक्शन किसी बीमारी की तरफ इशारा करता है, आपके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी की चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आप सभी को ये चीज़ें, उम्मीद करती हूँ आप सभी की वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आई है तो लाइक कीजिए और आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहें तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।